महाराष्ट्र में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का महादूध आंदोलन सोमवार से शुरू हो गया है और सांसद राजू शेट्टी की पार्टी की मांग है कि जब तक किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों तक दूध नहीं पहुंचाने देंगे। किसान नेता राजू शेट्टी के इस ऐलान के बाद स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राज्य भर में दूध ले जाने वाले टैंकर्स को निशाना बनाया और कार्यकर्ताओं ने नागपुर अमरावती हाईवे पर दूध ले जा रहे एक टैंकर को रोककर उसके टायर को आग के हवाले कर दिया। जगह जगह सड़कों पर दूध गिराकर रास्ता रोका गया। तो दूध आंदोलन का आज दूसरा दिन है और ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दूध ले जा रहे एक टैंकर को कैसे निशाना बनाया गया। और दरअसल मांग इन लोगों की ये है कि दूध का उचित दाम दिया जाए और जब तक इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक यूं ही विरोध जाहिर करते रहेंगे।